देखो बेटा, ये एक आपके पास रोड है ना, यहाँ पर एक कार है, यहाँ पे कार समझ लीजिए, ये कार है, कार वन, और ये समझ लीजिए एक ट्रक है, ठीक है। कार मूव कर रही है विथ इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। कितनी स्पीड से मूव कर रही है? 10 मीटर पर सेकेंड। 10 मीटर पर सेकेंड। और जो ट्रक है, ट्रक इनिशियल स्पीड 0 है एंड एक्सलरेट किया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, दोनों ने, ठीक है। ये कब सिचुएशन है? टी इक्वल टू जीरो पर। ये सिचुएशन कब है? टी इक्वल टू जीरो पर। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस दिया है, इन दोनों के बीच का क्या दिया है डिस्टेंस, वो दिया हुआ है 112 मीटर, 112 मीटर, ठीक है। ये कार है और ये क्या है? ट्रक। क्वेश्चन है, विल कार ओवरटेक ट्रक और नॉट, ठीक है। कार ट्रक को ओवरटेक करेगी या नहीं करेगी? यदि करेगी तो व्हेन, क्वेश्चन आया समझ में आपको? कार यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है ना? हाँ, कार का बेटा यूनिफॉर्म मोशन है, ठीक है। इस क्वेश्चन से हम बहुत सारी चीजें सीखेंगे, ठीक है। यस सर। सर वो टी जीरो क्या लिखा है सर आपने? टी इक्वल टू जीरो पे है ये सिचुएशन, है ना? ये नहीं समझ आया। यहां से स्टार्ट करना, ये सिचुएशन थी जब आपने कार को देखा था, जब हमने कार को देखा तब ट्रक रेस्ट पे था। आ गई बात समझ में? यस सर। हाँ, मतलब आपको ऐसा नहीं है कि कार और ये अलग अलग टाइम पे, जैसे कार को देखा उसके बाद 2 सेकंड बाद ट्रक को ऑब्जर्व किया, ऐसा नहीं। जब टी इक्वल टू जीरो पर ये सिचुएशन था, यहां से आपको सॉल्व करना है, क्लियर है? ओके सर। है क्वेश्चन थोड़ा लॉजिकल या नहीं? सर है ना? यस सर कर रहे हैं। अभी लॉजिकल नहीं है, लॉजिक इसके बाद लगेगा। देखो इस क्वेश्चन में हम जब इसको हम देखेंगे कि क्या हो रहा है रियल में। और सर जो आपने वेन पूछा है वो टाइम है ना कि हाँ, बेटा आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही यार।
इसका प्रॉब्लम है ये सर, सेकंड बच्चे उसका प्रॉब्लम है सर। तो आपका इनिशियल वेलोसिटी जीरो है ना? हाँ बेटा, इसका इनिशियल वेलोसिटी ट्रक का जीरो है, कार 10 मीटर पर सेकंड यूनिफॉर्म मोशन से चल रही। सर हम इसमें s is equal to ut plus half t square लगा सकते हैं? मुझे नहीं पता बेटा क्या लगा सकते हो, क्या आपको सोचना है? चलो अब सॉल्व करते हैं, क्लियर है? देखो करना क्या है, चलो हमने बोल दिया कि एक छोटा डायग्राम बना लेते हैं ना, ठीक है सॉल्यूशन के लिए। यहाँ पे था आपका कार, यहाँ पे था आपका ट्रक। चलो हमने बोल दिया इस जगह मिले, इस जगह दोनों क्या हो गए? मिल गए। कितने टाइम के बाद? टी टाइम के बाद। कितने टाइम के बाद? टी सेकंड्स के बाद। कोई दिक्कत है किसी को? नो सर। नहीं है। चलो तो ये जो डिस्टेंस है ये किसने ट्रेवल किया है? कार। वो कितना होगा? कार का जो डिस्टेंस होगा, ये कार है ट्रक है ना, तो कार ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया टी टाइम में? यूनिफॉर्म स्पीड है तो हम लिख सकते हैं 10t। ओके सर। है ना, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होगा। यस सर। और ये जो डिस्टेंस है ये किसने ट्रेवल किया? ट्रक ने। तो ट्रक ने यूनिफॉर्म मोशन है, सॉरी एक्सेलरेटेड मोशन है, तो एस ट्रक जो होगा वो कितना होगा? यू तो जीरो है तो 1/280 स्क्वायर होगा, और ए की वैल्यू कितनी है? 1 है, तो मैं इसको, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। टी स्क्वायर बाय 2, तो कितना होगा? टी स्क्वायर बाय 2, कोई दिक्कत है इसमें? अच्छा, तो ये जो डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस कितना है? 1, 1, 2, तो कार ने ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया है। हाँ बोलो बेटा। सर आपने यहाँ पे जो ट्रक है और जब वो पॉइंट जब दोनों मीट कर रहे हैं उसके बीच का आपने ये इक्वेशन कैसे फॉर्म की? क्या फाइंड किया? सर आपने इक्वेशन फॉर्म की है ना s t s इक्वल टू, बेटा s इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है कि नहीं? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम यूनिफॉर्म मोशन होता है, तो वही तो यूज किया है। s क्या है? डिस्टेंस है। ओके सर। ठीक है, तो देखो अरे बेटा डिस्टेंस इक्वल टू मैंने लिखा है स्पीड इनटू टाइम, कोई डाउट है इसमें? तो स्पीड कितना है? 10 है, टाइम टी है, क्लियर है? अब यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ सर, कार ने ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया है ट्रक ने? कार ने तो कार ने जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो ट्रक का डिस्टेंस प्लस 1, 1, 2 होगा। यस सर, क्योंकि कार ने कितना किया? ट्रक ने किया उतना तो किया, लेकिन 1, 1, 2 मीटर एक्स्ट्रा भी ट्रेवल किया है। यस सर। तो यहाँ से टाइम की वैल्यू निकालो, आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना पता है आपको? यस सर। कर लो, यहाँ से टाइम की वैल्यू निकालो। सर मैं एक बात बोलूं? हाँ बोलो। सर हम लोग जब बोले थे b² - 4ac और फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो सर इसमें अजीब नहीं लग रहा, क्योंकि सर b² अपना हो जाएगा 400 - 4ac - 4×224, तो सर रूट अपना माइनस में आएगा जो कि सर इमेजिनरी हो गया।
इमेजिनरी हो रहा है क्या? हाँ सर। नहीं एक मिनट, इसको अपन दूसरे मेथड से करते हैं, ठीक है? हाँ सर, मैंने दूसरे मेथड से किया था, 10/56 आया था टाइम। नहीं लेकिन एक ही वैल्यू आई थी, टी स्क्वायर माइनस 28 टी। अच्छा ठीक है यार, मेरी थोड़ी कैलकुलेशन रॉन्ग हो गई, ठीक है? मैंने खुद से क्वेश्चन बनाया था, इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन रॉन्ग हो गया, इसलिए सर वो कभी मीट ही नहीं करेंगे मतलब। हाँ, इसका मतलब है वो कभी मीट नहीं करेंगे, क्योंकि टाइम की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा? देखो यहाँ से आप कितना सॉल्व करोगे, टी की वैल्यू कितनी आएगी? लिया और फिर ट्रक का और फिर वापस आगे गए तो वो चलते ही जा रहा था। हाँ तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, फॉर्मूला क्या है, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये होती है। अब यहाँ पर देखो फॉर्मूला है, ये एक्स इक्वल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ठीक है? तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालो, कितना आएगा, माइनस बी हो जाएगा। अब ये जो वैल्यू है ये कैसी है, बी स्क्वायर माइनस 4ac कैसा है, नेगेटिव मिल रहा है? यस सर, नेगेटिव मिल रहा है। इसका मतलब है कि ये वाली रूट में कुछ नेगेटिव वैल्यू सॉल्व होता है क्या? नो सर, वो नॉट डिफाइन हो जाता है। नॉट डिफाइंड है, नॉट डिफाइंड है मतलब नो रियल रूट, क्या होगा सर? तो नॉट क्वेश्चन में नो कर दें। हाँ तो कोई ऐसी सिचुएशन नहीं आएगी, मतलब रियल में ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। आई बात समझ में सर? एक और बात समझाना बेटा, एक बार क्या समझाना है बताओ। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप 8th में हो, ठीक है, 8th में हो ना? Yes, पर 8th में तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं आती, तो बेटा वो तो नहीं बता पाएंगे हम यहाँ पे, है ना? क्वाड्रेटिक वो तो 10th में आती है। हाँ वो सब 10th में आपको आईजीएस में पढ़ाएंगे, ठीक है? और तो यदि इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू जीरो है, तो x इक्वल टू होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है? तो यहाँ से वैल्यू निकालेंगे, लेकिन यहाँ पे ये रूट के अंदर कैसी वैल्यू आ गई, नेगेटिव वैल्यू आ गई। नेगेटिव वैल्यू आती है, नेगेटिव वैल्यू आ गई, नेगेटिव वैल्यू आ गई तो क्या होगा, इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी मतलब नो रियल, कभी भी कर्व अपने एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा। नो रियल पॉसिबल मतलब कभी ऐसा नहीं होगा, क्योंकि कार जैसे ही यहाँ तक आएगी ट्रक की स्पीड ज्यादा हो जाएगी, और ट्रक की, क्योंकि ट्रक की स्पीड क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो ट्रक की स्पीड इतनी ज्यादा हो जाएगी कि कार कभी भी उसको आगे नहीं निकल पाएगी। क्लियर है, यहां तक आया सबको? Yes, समझ सर। अच्छा एक बात बताओ, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के यदि टू रूट्स होते हैं, कितने रूट्स होते हैं? अब देखो इसका आंसर, दोनों के आंसर कितने हो गए, नो नो हो गए, कितने हो गए, नो एंड क्वेश्चन तो हो गया सॉल्व, ठीक है? लेकिन यदि हम बोलते हैं इसके टू रियल रूट्स होते हैं, कितने रियल रूट्स होते हैं, टू रियल रूट्स, तो उसका मतलब क्या होता? तो सर एक बार कार ओवरटेक कर लेती फिर अपना जो ट्रक आता वो वापस आके ओवरटेक कर लेता। यदि ऐसा होता है, टू रियल रूट्स होते तो सिचुएशन देखो क्या होती, कि ये जो ब्लॉक है ये क्या करता, ट्रक से आगे निकल जाता, कार क्या करती, ट्रक से आगे निकल जाती। लेकिन कार की स्पीड तो कांस्टेंट है, लेकिन ट्रक की स्पीड क्या है, ज्यादा बढ़ रही है, तो फाइनली कौन आगे निकलेगा, ट्रक ही रहेगा आगे, तो आगे कौन रहेगा, ट्रक रहेगा, है ना? तो एक बार क्या होगा, कार आगे निकलेगी ट्रक से, दूसरी बार क्या होगा, ट्रक आगे निकलेगा कार से। आ गई बात सुनने? यदि टू रियल रूट्स होते तो दोनों सिचुएशन, दोनों आंसर क्या होते, सही होते। क्लियर है, अज्यूम करते हैं। yes, हाँ यदि आंसर ऐसा होता, टी के टू रूट्स आते, पहला आता टी इक्वल टू 8 और टी इक्वल टू आता मान लो 28, है ना? 20. तो पहले टी इक्वल टू 8 पर कौन आगे निकलती, कार, ठीक है, ओवरटेक ट्रक। और टी इक्वल टू 28 पे क्या होता, ट्रक ओवरटेक कार, मतलब 8 सेकंड के बाद, 20 सेकंड के और भी बाद, हाँ, ट्रक निकलता। हाँ, 28 सेकंड के बाद, मतलब 8 से लेके 28 सेकंड तक आगे कौन रहता, सर, कार। समझ में आया क्वेश्चन? यस सर, समझाना क्वेश्चन। हाँ तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है? तो आपको बस सिचुएशन बताना है कि रियल में क्या होगा। तो रियल रूट्स हुए, ठीक है, तो रियल रूट्स नहीं आए, यदि टू रियल रूट्स होते तो क्या होता, एक टाइम पर कार ट्रक से आगे निकलती, दूसरे टाइम पर क्या होता, कार के आगे निकल जाता। हाँ ठीक है, चलो
सर। हाँ सर, जो आपने जो एस निकाला है वो बता दो एक बार। एस निकाला है मतलब ऊपर सर, जो आपने एस इज इक्वल टू 10 लिखा है, आपके एस में स्पीड को सोच रहा है, ये प्रॉब्लम हो रही है। एस बेटा, एस मतलब बेटा इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं पढ़ा है यार। इक्वेशन ऑफ मोशन बताया था लास्ट क्लास में, इक्वेशन ऑफ मोशन है तो यूनिफॉर्म मोशन है, तो एस इक्वल टू यू। अच्छा देखो, एस इक्वल टू ये फॉर्मूला होता है, यस सर। यूनिफॉर्म मोशन है मतलब एक्सेलरेशन जीरो है, यस सर। एक्सेलरेशन जीरो है तो ये वाला टर्म पूरा जीरो हो गया, यस सर। तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या हो गया, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितना दिया हुआ है, 10 टाइम टी, ठीक है। ओके सर। और सर ये जो आपने ट्रक और जब दोनों मीट कर रहे हैं उसके बीच का डे कैसे निकाला वो? अरे यार टी 8 है, 2 है, तो 8 पे कौन आगे निकला, कार ट्रक से आगे निकली, 28 पे ट्रक वापस आ गया। नहीं कह रहा, जो डायग्राम में आपने लिखा है एस टी इज इक्वल टू 1.5 यूटी स्क्वायर प्लस। अरे यार एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लिखा है, नहीं लिखा है? यस सर लिखा। यू क्या है इसके लिए, इनिशियल स्पीड जीरो है तो ये वाला टर्म जीरो हो गया, तो 1/2 एटी स्क्वायर लिख दिया है। अच्छा ठीक है सर। बेटा गिवन लिखो, मैं नहीं लिखूं या उससे क्या फर्क पड़ रहा है, तुमको लिखना है। कितनी बार बोला है, बोला है नहीं बोला है, तुमको गिवन लिखना है। चलो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लाते हैं तुम्हारे लिए, तुम हो कि गिवन ही नहीं लिखते हो, तुम्हें इतना आलसी आ रहा है। गिवन लिखना है, चाहे मैं लिखूं या नहीं लिखूं। सर इसमें एन सेकंड की फॉर्मूला लगेगी, मुझे नहीं पता। हो पाएगा? यस सर, ये टू यस सर रुकना, लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल्स हो जाएगा। फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है सेकंड का, एसएन का फॉर्मूला है। सबसे बड़ा क्राइम होता है जिसको बच्चे को फॉर्मूला ही ना आए। ठीक है, ये होता है एसएन का फॉर्मूला। देखा देखा लग रहा है? यस सर पढ़ा हुआ है। यस सर पहले तो पढ़ा। तो देखो एसएन फर्स्ट इक्वेशन क्या बनेगी सर, 20 इज इक्वल टू, अच्छा यू जीरो है क्या? नहीं सर अभी पता नहीं है सर, अभी पता नहीं सर। 36 आ रहा है इसका आंसर, देखते हैं बेटा कितना होगा। सर क्या ये भी आपने अपने मन से बनाया है? सर ये भी आपने अपने मन से बनाया है? इसमें सर यू नेगेटिव आएगा? क्यों नहीं आएगा यू नेगेटिव यार? यस सर 36 आया सर, मेरा भी 36। यू 7 आएगा सर? नहीं, हाउ मच डिस्टेंस शैल इट ट्रेवल इन 15 सेकंड में बोल रहा हूँ। ठीक है देखो n कितना है, 7, तो 7 into 2 कितना होगा सर? 36 ही, तो 36 तो आएगा, u बोल रहा हूँ मैं आंसर। सर एक बार चलो आप सॉल्व करो, सर मैं भी गलत हूँ। इसको सॉल्व करो तो कितना आएगा, देखो ये इक्वेशन बनेगी सबकी, बनी नहीं बनी? नहीं सर बन गई सर, बन गई। मैं अपनी 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 चेक करवा रहा हूँ, ठीक है मेरी सही बनी कि नहीं बनी? हाँ सर सही है सर, आपकी सही बनी, मेरी गलत बनी थी। हाँ तो बेटा है ना, तो इसकी कितनी होगी, 48 सर, 48 टू यू प्लस 17A, ये इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 2 और 1 को माइनस कर दे, कोई समस्या है क्या? यस सर, यू टू यू और टू यू कट जाएगा और फिर ए की वैल्यू आएगी। कितना बचेगा, माइनस कर दो, माइनस 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 कैंसिल हो गया, 0 और 70 कितना आ गया, 4A।
सर a इक्वल टू a की वैल्यू 2 आ जाएगी, 2 आ गई, 2 की वैल्यू यहां पुट करो कितना आएगा सर 40 मैं स्टेप छोड़ रहा हूँ तुम्हारे लिए कि ताकि yes, sir, yes, sir. हाँ तुम बैठे नहीं रहो ठीक है और एस हमें निकालना है 15th तो एस एंथ आएगा वापस से करोगे तो आंसर आएगा 36 मीटर सर इससे तो सर पैटर्न भी बन रहा था 7th में 20 और 9 में 24 मतलब 8 में 22 और फिर सर 22 ऐड करके 36 15 तक आ जाता पर वैसे जरूरी नहीं है हर हर क्वेश्चन में आ गया सॉल्व हो गया सबका yes, हो गया सर. Yes, sir. Yes, sir. एक और बढ़िया क्वेश्चन तो नहीं है एवरेज क्वेश्चन है ये उसी टाइप का ही क्वेश्चन है ना जो अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था सर वही एक्स लेके करेंगे ना बिल्कुल एक्स लेके करो वाई लेके करो जेड लेके करो लेकिन नहीं मतलब तो जब वो क्रॉस करेगी उस, हाँ, उसका हाँ वही वही प्रोसीजर है ना आया समझ में क्या क्या करना है हाँ सर वो तो आ गया यस सर आ गया डायग्राम जब तक नहीं बनाओगे ठीक है बनाया सबने ऐसा डायग्राम थोड़ा सा अच्छा सा हाँ सर अच्छा नहीं लेकिन बना लिया हाँ ठीक है चलो अब कार ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी या ट्रक कार 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 अब हमने बोला कि ये मिले टी इक्वल्स टू टी सेकेंड के बाद कहाँ मिले तो पहला बेटा है ये कितना टाइम क्या नाम है तुम्हारा सर सौम्या है ना तो देखो बेटा अब ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एस इक्वल टू कितना होगा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर तो देखो यू कितना है जीरो दोनों इनिशियली रेस्ट पे है प्लस वन बाय टू ए कितना है ए कितना है टू सर मेरा भी 10√6 आया टी स्क्वायर आंसर कितना हो जाएगा टी स्क्वायर कितना आंसर हो जाएगा टी स्क्वायर फिर जब इक्वेट करेंगे तो प्लस कितना डिस्टेंस किया एस तो यू इसका भी यू जीरो है तो डायरेक्टली लिख दिया मैंने वन बाय टू एक्सेलरेशन कितना है 1.5 टी स्क्वायर ठीक है अच्छा कार ने कितना डिस्टेंस एक्स्ट्रा ट्रेवल किया है सर 150 एस प्लस तो मैं एक इक्वेशन लिख देता हूं एस कार इक्वल्स टू 150 प्लस एस टी इसको हम लिख सकते हैं टी स्क्वायर इक्वल्स टू 150 प्लस 1 बाय 2 इनटू 1.5 टी स्क्वायर कोई समस्या नहीं ठीक है
तो इधर आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा टू में से 0.5 टी स्क्वायर इक्वल्स टू 150, टी इक्वल्स टू आ जाएगा कितना आपका, सॉरी 300 होगा 150 की जगह, सॉरी हाँ 300 होगा, तो टी स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा आपका 10√6 600, ठीक है, कैसे आएगा समझ रहे हो, मैं स्टेप छोड़ रहा हूँ, यस सर कर लिया, तो t इक्वल टू आ जाएगा कितना 10√6, क्लियर है, यस सर, हाँ, अब ये वाली वैल्यू आप दोनों जगह पुट कर दो और आंसर निकाल लो, चलो यहाँ कार ने, चलो ऊपर वाली वैल्यू निकालो, s कार, तो s कार कितना होगा t स्क्वायर, इस डायरेक्ट इसका स्क्वायर कर दो, तो ये कितना आ गया 600 मीटर, तो s t कितना आएगा डायरेक्टली, ये देखो ये टोटल कितना है 600 है, ये 150 है, तो ये कितना होगा 450 मीटर, क्लियर है, हो गया क्वेश्चन सॉल्व, यस सर, यस सर, सर आपने जो कार और कार प्लस ट्रक जब दोनों कोलाइड कर रहे हैं उनके बीच का जो टाइम पीरियड निकला है उसको आपने टी स्क्वायर निकाला है ना, सॉरी डिस्टेंस, हाँ ठीक है, ये वाला यार ये भी सिंपल लगा, ठीक है चलो सिंपल ही करवा रहे हैं, टफ थोड़ी करवाएंगे, देखो वो थोड़ी करवाएंगे जैसे आईजीएसओ में क्वेश्चन आते ही नहीं है, हम वही करवाएंगे जिस टाइप के आते हैं ना, लेवल बहुत ज्यादा ऐसे देने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है सर, इस टाइप के आते हैं, इस टाइप के आते हैं, ठीक है, और मोशन ऐसा चैप्टर है कि ये हर टॉपिक में घुसेगा, ठीक है, आपका ओनली क्वेश्चन नहीं बनेगा कि मोशन का क्वेश्चन तो बहुत कम ही है, ठीक है सर, वेक्टर मोशन भाई भाई, हाँ नहीं ये आपका जैसे इलेक्ट्रॉन को मैग्नेटिक फील्ड में मूव करवा दिया, इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करवा दिया, ठीक है सर, आपका ये आपका केवीपी में 2008 में कैटेगरी सवाल पूछा गया था, सर आपका ये कितना डिस्टेंस निकला है ट्रक और ट्रक प्लस कार के बीच का, तो ये तो दिया था ना यार 150, नहीं सर ट्रक प्लस ट्रक और कार के बीच, अरे यार टोटल 600 आ गया, ये वाला माइनस 150, ये 150 है तो ये 450 आ जाएगा, ओके सर, ओके ठीक है, या फिर इस फॉर्मूले में पुट कर दो, टी की वैल्यू पुट कर दो, आ जाएगा आंसर जैसी आपकी इच्छा, yes, चलो एक और क्वेश्चन, यस सर, दो सर अभी आप पीछे वाला एक और बार दिखा सकते हैं, हो गया ना बेटा सॉल्व, सर एक बार दिखा दीजिए, सॉल्यूशन क्या देखना, क्वेश्चन देखो, सॉल्यूशन खुद से करो, ये वाला क्वेश्चन करो, अब देखो इसमें कुछ नया टर्म्स है, ठीक है वो आपको देखना है कि उसको कैसे करोगे, रिएक्शन टाइम, बिल्कुल सर, बस 1 मिनट देना, बिल्कुल, सर 22 मीटर आ रहे हैं, 22 मीटर तो नहीं आएगा यार बेटा, सर 22 मीटर क्या आ रहा है, और किसी का आ रहा है क्या, नहीं सर रुको कर रहे हैं, जो सर उसे जो सब लोग बोल देंगे उसी को फाइनल कर देंगे, पर क्या एक मैंने अभी ऐसे ही बोला है कि तो 1.5 है, नहीं नहीं ना, क्वेश्चन आया कि नहीं आया समझ में, समझो पहले ही बताऊं मुझे, सवाल तो बिल्कुल अच्छे से सर आ रहा है समझ में, तो सर 18 पॉइंट कितना
आपका आंसर आया है लेकिन वो रॉन्ग है, ठीक है? नहीं, नहीं, सही है, सही है, बिल्कुल मेरा 20 वाला सही है। नहीं 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 सुनो बेटा, सही है, कुछ थोड़ा सा एक टेक्निकली फॉल्ट है। वो टेक्निकली फॉल्ट क्या है वो अपन डिस्कस करते हैं, उसी लिए मैंने क्वेश्चन दिया है। एक टर्म दिख रहा है आपको रिएक्शन टाइम, क्या दिख रहा है? रिएक्शन टाइम क्या होता है ये बताओ मुझे सर, जितने टाइम में वो रिएक्ट करता है, मतलब ब्रेक करता है, उसका रिएक्शन हुआ है सर, कि जैसे ही उसने किसी को देखा अचानक से तो ब्रेक नहीं लगेगा, ब्रेक लगने में कुछ टाइम लगेगा। यस सर। मतलब ये वाला टाइम है उसके ऑब्जेक्ट को देखने और ब्रेक लगाने के बीच का टाइम। ये वाला टाइम कौन सा है, कौन सा वाला टाइम है? ऑब्जेक्ट को देखने और बीच ब्रेक लगाने के बीच का टाइम। एग्जैक्टली, ठीक है? तो देखो, जैसे ही उसने ऑब्जेक्ट को देखा और ब्रेक पर फेर गया, उतने में कितना टाइम लग गया उसको? 0.20 सेकंड। अब इस वाले टाइम में ब्रेक तो अप्लाई हुआ था या नहीं हुआ था? इस वाले टाइम में ब्रेक नहीं हुआ था, तो कार उतनी ही स्पीड से ट्रेवल करेगी कि नहीं करेगी? यस सर, करेगी। यस सर, है ना? तो हम पहले निकालते हैं डिस्टेंस, है ना? तो जो डिस्टेंस होगा बिफोर अप्लाइड ब्रेक्स, अप्लाइड ब्रेक्स, तो कितना टाइम, कितना बेटा? 0.2। और स्पीड कितनी है? 15 सर, तो कितना हो जाएगा? 3 मीटर। कितना डिस्टेंस हो गया? 3 मीटर। 3 मीटर। इसके बाद क्या लगा? ब्रेक लगा। इसके बाद क्या लगा? ब्रेक लगा। अब सर अगर हम दोनों को प्लस करेंगे तो मेरा आंसर अलग अलग आ रहा है, 21.7 आएगा सर। हाँ, तो वही आंसर है ना, ठीक है? हाँ, अब हम, हाँ, अब क्या हो गया बेटा? ब्रेक लग गया। अब ब्रेक पे पैर लग गया, ब्रेक लग गया, तो अब यू कितना है? 15। फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 0। टाइम कितना है? 0.2। सॉरी, टाइम हमें एक्सेलरेशन, और टाइम से भी निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है। एक्सेलरेशन कितना गिवन है? 6 माइनस 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और यहां से आपको निकालना है एस। आपको क्या निकालना है? एस। क्या निकालना है? एस। कौन सा वाला फॉर्मूला सही रहेगा सर? वी स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2ए सर, माइनस 2ए। हां, तो वी स्क्वायर कितना होगा? 0। यू स्क्वायर कितना होगा? 225 प्लस 2 इनटू माइनस 6, है ना, इनटू सर माइनस 12s। तो s इक्वल टू कितना आ जाएगा? 225 डिवाइड बाय 12, तो ये आ गया 18.75। तो देखो, अब क्वेश्चन में पूछा क्या है? फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार आफ्टर ही सी। दोनों को ऐड करना पड़ेगा। हाँ, मतलब उसने देखने के बाद, तो देखने के बाद कुछ टाइम तक उसने देखा, ब्रेक लगाया, तब तक ट्रेवल हो गई, तो तब तक 3 मीटर वो ट्रेवल कर चुका था। तो आंसर आपका कितना आएगा? 21.75 मीटर। समझ में आया सवाल? अच्छा, यस सर, यस सर, ठीक है। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं है? नो सर, नहीं। आप एक और बार समझा, एक और बार क्या समझाना है? देखो, जैसे बेटा आपने कोई चीज देखा, आपने कोई चीज देखा, क्या देखते से ही ब्रेक लग जाएगा? नहीं सर, कुछ देखने के बाद कुछ टाइम लगेगा। तो उस टाइम में गाड़ी आगे बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बिल्कुल बढ़ेगी, ठीक है? तो आप, तो उन्होंने डिस्टेंस पूछा है, ब्रेक लगाने के बाद नहीं पूछा है, उन्होंने पूछा है आपने देखा और रुकने का डिस्टेंस। तो देखा, देखने के बाद ब्रेक लगाया, तब तक भी कुछ डिस्टेंस ट्रेवल हो ही चुका था, तो वो डिस्टेंस भी उसमें ऐड होगा, ठीक है? सर आगे आ गया 15 में आगे कर बेटा, यूनिट चेंज करते हैं, नहीं करते हैं किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड? 54 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करो, 5/18। हाँ हाँ, तो 5/18 करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? यस सर। एक और, हाँ बोलो। हाँ सर, एक और, एक और, और कुछ करते ना, करते, ठीक है? ओके सर, आज आपने मेरी आंखें खोल दी। देखो, सब चीज खुलेगी, अभी देखते जाओ।
ठीक है तो ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन, एक मिनट रुक जाओ बस मैं निकाल लूं। तो मेरा काफी क्लोज था 20। हाँ क्लोज से नहीं होता यार, ऑप्शन इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होंगे एग्जैक्टली आपको दिए होंगे है ना, 18 पॉइंट में भी हो सकता है डिफरेंस दिए हो, ठीक है तो उसमें क्या होता है बहुत कम चांस होते हैं कि गेस लगे है ना, ऐसा भी दे सकते हैं क्या 21.76 भी नहीं चाहिए जो कि माइनस मार्किंग है, बिल्कुल दे सकते हैं ठीक है, माइनस मार्किंग है तो फिर हम ऐसे रिस्क नहीं ले सकते ठीक है। हाँ ठीक है एक मिनट को कहाँ गया क्वेश्चन, ठीक है सितंबर में नोटिफिकेशन आएगा ना उसका जब आ जाए यार, कोविड में तो क्या गेस कर सकते हैं ठीक है, कोविड में हम गेस नहीं कर सकते ना यार, क्या गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं जब उनकी मर्जी हो कर देंगे। ये वाला क्वेश्चन देख लिए कब आया था क्या होगा आईएसओ में थोड़ी आया था सर, स्पीड ही नहीं दी सर, स्पीड नहीं दी। हाँ सर ले लो देखो सर कितने अच्छे स्पीड दे दी। अरे ये क्वेश्चन जाना पहचाना है, जाना पहचाना क्या हमारी क्लास में भी पूछा गया, सर हमारे मॉड्यूल में ही है सर, मॉड्यूल मॉड्यूल में है, टाइप का होगा मैंने करवाया है, ऐसा आपने करवाया था, सेम ही था। चलो बताओ सर थोड़ा सा ऊपर लेना पड़ेगा सर, बस एक मिनट 5 सेंटीमीटर सर 5 सेंटीमीटर अबव द टारगेट, 5 सेंटीमीटर अबव द टारगेट। देखो बेटा सर अंदाजे से सही निकल गए, देखो बेटा हाँ ये मेरे को अभी भी याद है। अब मान लो ये कोई एक टारगेट है आपका ठीक है, बिल्कुल सेंटर में आप टारगेट लगाना चाहते हो ठीक है, यदि आपने इसी डायरेक्शन में क्या फायर कर दिया, बुलेट को फायर कर, बुलेट को क्या कर दिया फायर कर दिया, तो इस पर ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा नहीं लगेगा, लगेगा सर बिल्कुल लगेगा और वो कहाँ इधर लगेगा ठीक है, तो हमें क्या करना है थोड़ा सा ऊपर एम लेके, थोड़ा सा ऊपर की साइड एम लेके हम क्या करेंगे फायर करेंगे, ताकि क्या होगा यदि ये थोड़ा सा इसे डाउन होगा तो डाउन होके वो क्या होगा सही जगह लग जाएगा, तो अब हमें देखना है कि यहां से यहां तक ठीक है बुलेट को ट्रेवल होने में कितना टाइम लगेगा, तो बुलेट की स्पीड क्या होगी यूनिफॉर्म ही होगी, तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इक्वल टू क्या होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस दिया हुआ है 100 और टाइम कितना दिया हुआ है 0.1 दिया हुआ है 1000 का 0.1 सेकेंड। अब 0.1 सेकेंड में इसको नीचे कौन ला रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वजह से वो कितना नीचे आएगा, क्या देखना है हमें ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो कितना नीचे आएगा, तो देखो वर्टिकल डायरेक्शन के लिए वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है 0, एक्सेलरेशन कितना होता है 10 ले लेते हैं हम, अप्रोक्सीमेटली 10 ले लिया, डिस्प्लेसमेंट हमें फाइंड करना है कितने टाइम उसको फॉल किया हुआ है 0.1 सेकेंड, तो यहाँ पे आप एस फाइंड करो, एस की वैल्यू आ जाएगी 0.05 मीटर ठीक है, और सर ये फिर सेंटीमीटर में 5 सेंटीमीटर सेंटीमीटर में आ जाएगा, कोई समस्या है? नो सर, नो सर, नहीं सर, ये तो दी नहीं है, क्या नहीं दिया? इनिशियल वैल्यू यू तो 0 है ना बेटा, वर्टिकल में यू 0 होता है ना सर, इसमें मेंशन करना चाहिए हॉरिजॉन्टली शूट किया है वर्टिकली, बेटा वही पूछा है ना कितना ऊपर लेके, डायरेक्शन ही तो पूछी है, यदि आपसे इसमें पूछ लेता कितना ऊपर टारगेट करना ये, या पूछ लेता कितने एंगल पे, तो 10 अल्फा निकालना आ सकता था, 10 अल्फा क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस ना, तो परपेंडिकुलर कितना आएगा
0.05 और बेस कितना होगा 100, तो ये एंगल आ जाएगा ठीक है। अल्फा इक्वल्स टू टेन इनवर्स 0.00 वन अपॉन 200, क्लियर है? यस सर क्लियर है। तो ऐसा आ सकता है इसमें कोई, ठीक है सर आपको नहीं इसका 1/2000 होना चाहिए था। 2000 कर दो यार। ओके ओके मैंने पूछा हाँ 2000 पॉइंट में तो 0.005 है सर, तो आपने हाँ बोलो ये ट्रायंगल है ऐसा है सर, इसमें आपने s is equal to ut plus half at square लगाया ना, इन चारों में कौन सा फॉर्मूला लगता है सर? s is equal to ut plus half at square, बस वही लगेगा ना, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा एक बार बताओ कि वर्टिकल मोशन की यदि बात करें, किसकी बात करें? वर्टिकल मोशन, ठीक है। वर्टिकल मोशन में क्या होता है? एक्सेलरेशन 10, ठीक है। एक्सेलरेशन आपको कितना लेना है? 10 लेना है। कैसा लेना है? 10 या 9.8, ठीक है। कितना लेना है? 10 या जो गिवन है वो लेना है, और नहीं हो तो 10। हाँ लेकिन आपके आंसर्स देखना, ठीक है। अप्रोक्सीमेट लिखा है तो आप 10 लेके कर सकते हो। क्या लिखा हो? पॉइंट्स में दिया है तो 9.8, और पॉइंट में बहुत-बहुत पास है तो 9। हाँ ठीक है। अब आपको एक क्वेश्चन है, जैसे आपको बोला है कि कौन सी साइड प्लस या माइनस लेना है, तो यदि कोई ऑब्जेक्ट आप बॉटम से ही थ्रो कर रहे हो, कहां से थ्रो कर रहे हो? सरफेस से। कहां से थ्रो कर रहे हो? सरफेस से। तो सरफेस से आप हमेशा ऊपर वाली साइड कैसी लेंगे? पॉजिटिव, और नीचे वाली साइड लेंगे नेगेटिव, ठीक है। लेकिन यदि कहीं बिल्डिंग से आप थ्रो कर रहे हो, कैसा कहाँ कर रहे हो? बिल्डिंग से तो आप इंडिपेंडेंट हो, कोई भी साइड पॉजिटिव है कोई भी साइड नेगेटिव ले सकते हो, ऊपर वाली पॉजिटिव भी ले सकते हो नीचे वाले भी पॉजिटिव ले सकते हो, लेकिन उसके अकॉर्डिंग आपको ध्यान रखना है, क्लियर है? ओके सर। हाँ यदि आपने किसी बिल्डिंग से पार्टिकल को थ्रो किया, जैसे है ना एक बिल्डिंग बना लेते हैं, इस बिल्डिंग से हमने कोई पार्टिकल को ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट किया, ठीक है, ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट कर दिया हमने मान लो 10 मीटर पर सेकेंड से, कितनी स्पीड से? 10 मीटर पर सेकेंड से। तो पहले यदि ऊपर वाली साइड हमने पॉजिटिव लिया है तो यू कितना होगा? 10 होगा, और ए आपका होगा -10, क्लियर है? सेम एस यदि नीचे वाली साइड आपने पॉजिटिव लिया है, ठीक है, तो यू कितना होगा? -10, और ए आपका होगा +10, क्लियर है? ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब कोई पार्टिकल ऐसे गिरेगा, है ना, ऐसे गिरेगा तो यहाँ पर उसकी यहां से यहां तक, ठीक है, ये बात आ गई, बात समझ में सबको? कोई डाउट है? ठीक है। अब देखो यदि कोई पार्टिकल हमने इस टाइप से प्रोजेक्ट किया, मान लो यहाँ पे इसको हमने प्रोजेक्ट कर दिया, इस टाइप से प्रोजेक्ट कर दिया, है ना, तो गोल पे हो गया ना, चलेगा, ठीक है, ओके। इसे फेंक दिया यहाँ से, तो यदि हमने ऊपर वाली साइड पॉजिटिव लिया है, ऊपर वाली साइड क्या लिया है? पॉजिटिव, तो ये ए पॉइंट है, ये बी, ये सी, ये आपका डी, वाला पॉइंट डी, और इसमें यू मेंशन होगा ना, और ये वाला एफ, ठीक है। तो अब थोड़ा सा डायरेक्शन की बात करें, अच्छा ए पर वेलोसिटी कैसा होगा? अच्छा ए पर वेलोसिटी किधर होगा? पॉजिटिव होगा, जी सर, बी पॉजिटिव होगा, एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, नेगेटिव होगा, और डिस्प्लेसमेंट कितना रहेगा? जीरो, इस पॉइंट पर तो डिस्प्लेसमेंट जीरो ही है ना, ऐसे हर पॉइंट के लिए बात करते हैं। पी पॉइंट पर देखो यू कैसा रहेगा? यू पॉजिटिव रहेगा, एस भी पॉजिटिव रहेगा, और ए भी जीरो रहेगी, टॉप पॉइंट है, तो यू कैसा रहेगा? जीरो। एस कैसा रहेगा? जीरो, और एक्सेलरेशन
नेगेटिव। चलो डी पॉइंट पर बात करो, यू कैसा होगा? नेगेटिव, सेम एज वी बट इज नेगेटिव फॉर्म। एस कैसा होगा? पॉजिटिव नेगेटिव? पॉजिटिव पॉजिटिव, क्योंकि अभी भी इस वाली रेफरेंस लाइन से ऊपर है। और एक्सेलरेशन नेगेटिव नेगेटिव। ई पॉइंट पर बताओ, यू कैसा होगा? नेगेटिव नेगेटिव। एस जीरो और ए नेगेटिव नेगेटिव। एफ पे बताओ, यू नेगेटिव, एस नेगेटिव और ए पॉजिटिव नेगेटिव। आ गई बात समझ में? नेगेटिव। अब इसको थोड़ा सा, अब इसको एनालिसिस करो, डिस्प्लेसमेंट कब नेगेटिव हुआ? जब उस सरफेस से नीचे आया, नीचे आ गया। आ गई बस में? एक्सेलरेशन कब नेगेटिव हुआ? सॉरी, एक्सेलरेशन हमेशा नेगेटिव ही था, ठीक है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट को थोड़ा सा एनालिसिस करो। किसको देखो? डिस्प्लेसमेंट को। तो ये लाइन था जहां से हमने उसको फेंका, तो इसके ऊपर था पार्टिकल, तो डिस्प्लेसमेंट कैसा था? पॉजिटिव था। और उसके नीचे आया तो डिस्प्लेसमेंट कैसा आया? नेगेटिव। लेकिन वेलोसिटी कहां पर चेंज हुआ? वेलोसिटी का डायरेक्शन टॉप पॉइंट पे चेंज हुआ। क्लियर है? टॉप पॉइंट। तो इसको आप थोड़ा सा देखना है, समझ में आया कौन सी चीज कहां पर नेगेटिव होगी, कौन सी चीज कहां पर पॉजिटिव होगी। क्लियर है? यस सर। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन थोड़ा सा, थोड़ा सा लो। हाँ बोलो। क्या सर ऐसा कोई पॉइंट हो सकता है कि जहां पे वेलोसिटी भी जीरो हो और अपना डिस्प्लेसमेंट भी जीरो? बिल्कुल हो सकता है, ठीक है, वेलोसिटी भी जीरो हो और डिस्प्लेसमेंट भी जीरो हो। कहाँ पे? देखो वो तो रेफरेंस पॉइंट पे डिपेंड करेगा, ठीक है। ओके सर। जैसे देखो एक एग्जांपल भी दे देता हूँ ना मैं, जैसे आपका ये हो गया पेंडुलम, पेंडुलम देखा है? यस सर। फोटो है ना ऐसा। तो यदि हम रेफरेंस इस पॉइंट को माने, ए पॉइंट को, तो देखो क्या होगा, जब पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट होगा तो यहाँ पे जस्ट स्टार्ट होगा तो इनिशियल स्पीड जीरो होगी। यस सर। और इसी को रेफरेंस मान के आप डिस्प्लेसमेंट मेजर कर रहे हो तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जीरो आएगा। ओके, डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जाएगा, है ना। हो गया कि नहीं? जीरो हो गया सर। हो गया। तो हाँ, यदि इस पॉइंट को रेफरेंस लेके मेजर करोगे तो वो सिचुएशन नहीं आएगी। क्लियर है? लेकिन आप टॉप पॉइंट को रेफरेंस ले लोगे तो वो पॉसिबिलिटी आ सकती है, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन करो, ये वाला करो। देख लिया तो क्या हो गया, ये समय थोड़ी आया है। हो पाएगा सर? बिल्कुल कोशिश हो जाएगा, आराम से। कितना हो जाएगा सर? 735। देखते हैं, मिलके सॉल्व करते हैं। करें 735। यस सर, 735 सर मैंने दिया। अच्छा, बिल्कुल, बहुत बढ़िया बेटा। चलो यू कितना है? जीरो। ऊपर वाली साइड पॉजिटिव ले रहे हैं। क्लियर है? यू कितना है बेटा? जीरो आएगा।
जैसे ही रॉकेट स्टार्ट हुआ, अच्छा एक्सेलरेशन कितना आएगा, a इक्वल्स टू 1.6 माइनस 10 कितना 9.6 माइनस 9.8, क्यों ये वाला प्रोड्यूस कर रहा है रॉकेट, कौन प्रोड्यूस कर रहा है रॉकेट, और ये वाला किसकी वजह से पर्स और नेट एक्सेलरेशन कितना आएगा 9.8। ठीक है, ए समय क्या करना है फाइंड करना है और टाइम इक्वल्स टू कितना है 5 है, कौन सा इक्वेशन सही रहेगा f = t / 5 t स्क्वायर, हां तो कौन सा आएगा a = ut + 1/2 at स्क्वायर, s पुट तो आपका आएगा a = आ जाएगा 122.5 मीटर, आया सबका नहीं आया सर, ये 122.5 कैसे आ गया, इक्वेशन लिखी है ऊपर बेटा, इक्वेशन लिखी है ऊपर नहीं लिखी है, नहीं सर यू इसमें यू, क्या समस्या क्या है मुझे ये बता, अरे ओके सर सॉरी सर, बेटा इनिशियली रॉकेट रेस्ट पे ही होता है जब लॉन्च करते हैं, इनिशियली थोड़ी ना भगता है वो, लेकिन सर वो एक्सेलरेशन 19.6 बना रहा है, बना रहा है वो तो सर नेट बता रहे हैं 19.6, पढ़ो देखो क्वेश्चन पढ़ो, इट क्रिएट्स एन एक्सेलरेशन मतलब इतना वो कर सकता है, इतना बना रहा है, ठीक है सर, पर आपने जो आंसर निकाला वो सर तो मैच कर ही नहीं रहा, सुनो सुनो अभी आंसर मैच करेगा, ये बात आई समझ में सबको, यहाँ तक आया समझ में, यस यस सर, तो अब देखो सिचुएशन देखते हैं कि ये सरफेस था, हमने यहाँ पे एक रॉकेट बनाया, ठीक है ये आग लगी जो भी हुआ 5 सेकंड के बाद यहाँ पहुंच गया, ठीक है पहुंच गया सर, उसके बाद भी तो चलेगा t = 5 सेकंड, अब के यहाँ के बाद इंजन ऑफ कर दिया, इंजन क्या कर दिया ऑफ, तो इंजन ऑफ कर दिया तो क्या डायरेक्टली गिर जाएगा, नो सर थोड़ा और थोड़ा और ट्रैवल करेगा, ओवर ट्रेल करेगा, लेकिन अब इसके बाद इंजन ऑफ हो गया तो ये किसके गाइडेंस से मूव करेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स के गाइडेंस में मूव करेगा, करेगा या नहीं करेगा, यस सर, यस सर, तो अब हम देखते हैं 5 सेकंड के बाद उसकी स्पीड कितनी होगी, तो v इक्वल्स टू हमने देखा u प्लस at लगाओगे तो v इक्वल्स टू आ जाएगा 9.49 मीटर पर सेकंड, कितना आ जाएगा सर, यही मेरा आया 49, तो यहां पर उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई बेटा t इक्वल टू 5 सेकंड पे 49 मीटर पर सेकंड हो गई इस फॉर्मूले से, yes, तो डाउट है यहां तक, अब इंजन ऑफ हो गया तो हमने बोला यहां तक गया कोई भी पॉइंट, ये था ए ये था बी और ये था सी, तो अब हम बात करते हैं बी टू सी के लिए, किसके लिए बात करते हैं सर, यू हो जाएगा 49 वी हो जाएगा जीरो, हाँ तो यू हो जाएगा 49 वी हो जाएगा जीरो, एस हमें फाइंड करना है और टाइम की वैल्यू सॉरी ए की वैल्यू माइनस 9.8, yes, की वैल्यू कितनी होगी माइनस 9.8, तो यहां से आप कौन सी थर्ड इक्वेशन लगाओगे आंसर निकलेगा, थर्ड इक्वेशन क्या होती है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2AS, तो यहां पर भी एस की वैल्यू मिलेगी आपको 122.5, तो जो मैक्सिमम हाइट है वो कितनी होगी 245, दोनों को जैसे पार्टिकल को हमने ऊपर की तरफ फेंका तो वो क्या होगा ऑब्वियसली, यदि उसको ऊपर जाना है तो ग्रेविटेशन फोर्स से ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है yes, sir. Yes, sir. हाँ, यदि उसके इंजन की कैपेसिटी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की रही तो वो तो क्या होगा बस वहां पे खड़ा रहेगा ऊपर नहीं जा पाएगा, है ना, तो कैंसिल हो जाएगी, हाँ क्योंकि उसकी जो पावर है वो कितनी होना चाहिए मोर देन 10 या 9.8, हाँ मोर देन 9.8 होनी चाहिए, ठीक है, तो नेट एक्सेलरेशन निकाल लिया, समझ में आ गया आपको, ठीक है, अब जैसे ही इंजन ऑफ किया
तो इंजन ऑफ किया तो क्या होगा, वो सडनली रुक जाएगा क्या? नहीं रुकेगा, आगे जाएगा। हाँ तो वो, हाँ जैसे ही इंजन बंद कर दिया तो उसका मोशन फ्रीली अंडर क्या होगा, ग्रेविटी होगा, पूरा ग्रेविटी के अंदर फ्री फॉल करेगा। क्लियर है? वो फ्री फॉल करेगा तो उसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 9.8 हो जाएगा। क्लियर है? तो उसका हम सॉल्व कर लिया। क्लियर है सर? आपने 245 कैसे निकाल दिया दोनों को ऐड करके? जादू नहीं होता, एक और बार बता दो भैया। इधर सुन सुन, इसको पूरा क्वेश्चन को ऐसे अज्यूम कर लो, ठीक है, कि यहाँ पर देखो, यदि मैंने क्या बोला, यदि आप प्रॉपर डायग्राम नहीं बनाओगे तो चीजें समझ में नहीं आएगी। तुमने प्रॉपर डायग्राम नहीं बनाया है। क्लियर है? सब बनाया था। नहीं बनाया यार, मैं पता है। ठीक है, देखो मैंने प्रॉपर वर्ड का भी यूज किया है। हाँ ठीक है, डायग्राम नहीं प्रॉपर, जैसे देखो यहाँ पे हमने क्लाइंट बनाया, ठीक है, सबसे फिर क्या करना है आपको, ये पॉइंट बोलना है ए, ये पॉइंट बोलना है बी, और ये पॉइंट बोलना है सी। ठीक है, अच्छा सी टॉप मोस्ट पॉइंट है इसलिए वेलोसिटी क्या होगी, जीरो। यहां से ए टू बी कैसा मोशन है, एक्सेलरेटेड मोशन है। कैसा मोशन है, एक्सेलरेटेड मोशन है। तो अब गिवन लिखेंगे हम ए टू बी के लिए, किसके लिए गिवन लिखेंगे, और ए टू बी, ए टू बी के लिए यू क्या है, जीरो। ए कितना है, 9.8। ए समय फाइंड करना है और टाइम इक्वल टू कितना है, 5 सेकेंड। तो यहां से ये वाला डिस्टेंस मिला आपको 122.5। यहां पे जाके उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 49 मीटर पर सेकेंड। लेकिन यहां पे क्या हो गया, इंजन ऑफ हो गया, इंजन ऑफ हो गया तो वो फ्रीली फॉल करेगा। तो बी टू सी के लिए गिवन लिखेंगे, तो यू कितना है, 49, वी आपका जीरो है, ए इक्वल टू -9.8 है, और ए आप फाइंड करोगे तो वो भी मिलेगा 122.5। तो टोटल हाइट कितनी हो जाएगी, 49 कैसे निकाला, क्या बेटा 49 कैसे निकाला, v इक्वल टू यू प्लस एटी, फर्स्ट इक्वेशन ए टू बी के लिए v इक्वल टू क्या यूज किया हमने, u प्लस एटी। क्लियर है? जब इंजन बंद हो गया इतनी हाइट पे, मेरा थोड़ा सा इंटरनेट इशू हो गया था, अभी आपने क्या कहा एक बार बता सकते हैं? नहीं बेटा, तेको ही तो समझाने के लिए मैंने रिपीट किया था, तू ही गायब हो गया। चलो ये वाला क्वेश्चन करोगे, अरे ये वाला तो कर लिया ना, एक और क्वेश्चन पता चल गया। अब आप कहां से सवाल निकला रहे, कहां से आपको मेरा एमपीपीईटी ऐसा नहीं है, सब क्वेश्चन वहां के नहीं है, ठीक है, अच्छा सब नहीं कुछ। सर आप अपने मुझे सोर्सेस बता दो। सोर्सेस तो क्या, कहीं भी बुक्स ले लो बेटा, हर बुक्स पढ़ो जहां पे अच्छे क्वेश्चन लगे, क्योंकि सर ये तो कोई कथा लिखी है। एक मिनट यार, इनका ये डराने का तरीका है। डराने का तरीका नहीं है यार, मैंने कुछ अच्छी बुक्स से क्वेश्चन कॉपी पेस्ट करके रखे हुए हैं, जैसे जब भी बुक्स ऑनलाइन कोई भी हो सकती है, पियर्सन हो सकती है, किसी दूसरी कोचिंग के मटेरियल्स हो सकते हैं, है ना सर? पर अभी आपने पियर्सन से क्वेश्चन लिया था, मैंने क्या बोला, अब जैसे वो जो रिएक्शन टाइम वाला है, वो आपका एक बुक सुना होगा, एससी वर्मा, यस सर, उस, हाँ उसका क्वेश्चन है वो, ठीक है? डायग्राम बनाना होगा ना, डायग्राम तो हमेशा बनाना ही है बेटा, बाद में बना के क्या करोगे, पहले बनाना है, बाद में बना लेना। हाँ सर, बाद में, मैं भी बाद में बनाना था। हाँ सर ये भी सही है, पहले सॉल्व कर लो बाद में बना लेना डायग्राम दिखाने के लिए। मैंने आपको जो शीट दी ना, उसमें बढ़िया क्वेश्चन दी है, मतलब ढूंढ ढूंढ के, मतलब ऐसे नहीं है उसमें कोई भी क्वेश्चन की बस। हाँ सर, उसके एक्सरसाइज थ्री जो है ना, वो तो उसमें मुझे 3 डाउट है, एक्सरसाइज 2 नहीं लगाई अभी। किसकी,
अभी जो मटेरियल मिला है ना, नहीं बेटा अभी पहले चैप्टर खत्म करो है ना, जैसे आप जो आपको मोशन पढ़ा दिया है तो मोशन के क्वेश्चन आप पूछ सकते हो है ना, लेकिन ग्राफ के पूछोगे तो वो नहीं बताऊंगा मैं पहले ग्राफ। नहीं सर वो मैं नहीं कह रहा, वो काइनेमेटिक की मैंने लगाना। हाँ नॉर्मल जो है ये वाला क्वेश्चन करो। चलो सर इसमें हाइट निकालनी है, पता नहीं मेरे को क्या लिखा हुआ। 600 मीटर दिया तो है, जो लिखा हुआ है वो कर लो। क्या बोला है, पढ़ो क्वेश्चन। A stone is dropped from a balloon going up with a uniform velocity of 5 meter per second. The balloon was 600 meter high when the stone was dropped. Find its height when the stone hits the ground. Take g equal 10 meter upon s square. पढ़ो यार क्वेश्चन समझो। अच्छा ये सर मैं टाइम तो आ गया, उनकी हाइट बतानी है जो ऊपर जा रहा है, मतलब पहले 26 30 32 थे। टाइम तो आ गया, फोर आ रहा है, एक और गया। फिर बच्चों की बात कर रहे हो। अटेंडेंस ले रहे तुम्हारी सर, 80 आ रहा है इसका आंसर सर। शिखर में भी बिल्कुल अटेंडेंस लगती है। यस शिखर में भी अटेंडेंस लगती है। कभी नहीं, तूने अभी तक अब्सेंट नहीं हुआ क्या सर? एक क्लास में हुआ था तो उस दिन तेरे को तुझे कॉल नहीं आया? पता नहीं सर, पापा को आया होगा। हाँ तो बस हर क्लास में मोस्टली होती है ना सर, आई जैसो के मैं तो होती हूँ, सभी में होती हूँ। सर इसका 5 मीटर पर सेकंड आ रहा है। हाँ चल एक मिनट, तो 80 आ रहा है सर। यस सर 80 आ रहा है सर, 80 आ रहा है। क्वेश्चन समझे आप क्या पूछा था उन्होंने? यस सर। ठीक है देखो अब हम कहानी बताते हैं। आप लोगों को जो होमवर्क दिया जा रहा है ना, संडे को आपकी क्लास होगी, मोस्टली आपकी फिजिक्स और बायो की क्लास होगी, लाइव क्लास होगी, आप सबको यहाँ आना है। ठीक है आ गई बात समझ में? यस सर। आईजीएस होगी? हाँ ठीक है, मतलब कुछ क्वेश्चंस करवाएंगे या जो कुछ भी है ना, लाइव पढ़ा देंगे थोड़ा है ना, लेकिन आपको ऐसा सत्संग सुनने जैसा नहीं आना है। आपको कोचिंग पे आना है ऑफलाइन पर? हाँ ऑफलाइन, और होमवर्क करके लेके आना है जो शीट्स मिल रही है। आ गई बात समझ में? ओके सर। ऐसा नहीं है कि होमवर्क आपको ठीक है, आईजीएसओ किस किस का, किसी का भी होगा, वो आपको प्रॉपर डिटेल्स मिल जाएगी। देखो बेटा ये है आपका, नहीं देखो बेटा ये है बैलून, सॉरी इस टाइप का बैलून है। जब हाँ जब इसको ड्रॉप किया तब उसका हाइट कितना था? 60 मीटर था है ना, ये था 60 मीटर। और बैलून कहाँ जा रहा था? ऊपर। कितनी स्पीड से? 5 मीटर पर सेकंड से। अब यहाँ पे आपने एक पार्टिकल को ड्रॉप किया, किसको मार पड़ रही है ठीक है, यहाँ पर एक पार्टिकल को ड्रॉप किया, तो बेटा ड्रॉप किया तो क्या रेस्ट में होगा? 65 होगी, नहीं होगी एग्जैक्टली। इसकी भी कितनी होगी? 5 होगी, और ये उधर जाएगा 5 मीटर पर सेकंड, क्योंकि जो बैलून की स्पीड है, बैलून में आप पार्टिकल लेके चल रहे हो, तो जो बैलून की स्पीड है वही पार्टिकल की स्पीड है। मानते हो इस बात को? ठीक है हाँ, जैसे ही बैलून से आपने पार्टिकल को ड्रॉप कर दिया, बैलून को पार्टिकल से ड्रॉप कर दिया ठीक है, तो उसके बाद बैलून से कोई कॉन्टेक्ट है क्या उसका? No, नहीं है। तो उसके बाद उसका मोशन पूरे किसके गाइडेंस में होगा? ग्रेविटी के गाइडेंस में होगा है ना।
तो अब हम इसके लिए बात करते हैं फॉर पार्टिकल, फॉर पार्टिकल. तो यू कितना ऊपर वाली साइड हम ले रहे हैं पॉजिटिव है ना, यू कितना है 5 ठीक है, वी एस कितना है -60. टाइम हमें फाइंड करना है और ए इक्वल टू कितना है -10. तो अब बताओ बेटा कौन सा इक्वेशन सही रहेगा. सेकंड, एक में बुक नहीं है, एक में कुछ करना नहीं है, करो सॉल्व. सेकंड सेकंड इक्वेशन लगाओ यार, मुझसे मत लगाओ सर, किसी का माइक खुला है सर. -60 = 5. तो बेटा कौन सा क्या होगा बेटा, तो देखो इक्वेशन लगाएं, यस सर, तो टाइम की वैल्यू कितनी आएगी, 4 आएगी सर. पक्का? यस सर. सबकी आई, सबकी आई, यस सर, यस सर. चलो सबकी आ गई तो मैं लिख दूं टाइम इक्वल्स टू 4. ये हम लगाएंगे s equals to ut plus 1/2 at square. तो s कितना है -60 equals to u कितना है 5t minus 1/2 × 10t² क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी नहीं बनेगी. तो मैं तो बस फिटिंग द बेयर टर्म्स कर लिया था ठीक है. चलो 5t minus 5t² ठीक है. तो अब पूरी इक्वेशन को 5 से डिवाइड कर दो, इक्वेशन बनेगी टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 12 इक्वल -12 है ना. देखो टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 12 -12 इक्वल टू 0. यहां तक आया बेटा सबका, माइनस ही होगा, सबको इस साइड ले आए ना यार. हाँ सर. अब इसको देखो बाय पार्ट्स करेंगे, टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 3t -12 इक्वल टू 0. तो टी ब्रैकेट में जाएगा टी माइनस 4 प्लस 3 कॉमन ले लोगे तो आएगा टी माइनस 4. तो एक हो गया टी इक्वल टू माइनस 4 और एक हो गया टी इक्वल टू माइनस 3. टाइम कभी नेगेटिव होगा? नो सर, नो सर, टाइम नेगेटिव नहीं होता, इसलिए ये वाला हम कंसीडर नहीं करेंगे. तो टी इक्वल टू कितना आ गया 4 सेकेंड. अब 4 सेकेंड में ये 5 की स्पीड से कितना और चल जाएगा बैलून? 20 मीटर. 20 मीटर और चला जाएगा. तो हाँ, तो 20 मीटर और ऊपर चला गया. तो अब हाइट कितनी हो गई? 80 सर. सर मैं सोच रहा सही रहा था लेकिन मुझे एप्लीकेशन नहीं आया. आया समझ में आप क्वेश्चन? यस सर, अब आ गया. हाँ सर, तो थोड़ा सा इस टाइप से करो ठीक है. ओके सर. और करने क्वेश्चन? और कर लेते हैं, क्वेश्चन की कोई कमी तो नहीं है लेकिन अच्छे क्वेश्चन आपको ढूंढने पड़ते हैं है ना. एक मिनट, क्वेश्चन नहीं है अच्छे क्वेश्चन यार बेटा, ऐसे कुछ भी करवाना हो तो मैं एक देखो 0 + 0 कितनी बार 0 करोगे 0 ही मिलेगा. आ गई बात? यस सर. इसलिए 0 वाले क्वेश्चन मत करो, उसे टाइम वेस्ट भी होगा ठीक है. बार बार 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 2 + 2 + 1 ठीक है. ठीक है सर. एक मिनट में बस अच्छा क्वेश्चन देख लेता हूँ ठीक है सर. वैसे आप जब फिजिक्स की जब लाइव फेस टू फेस लगेगी तब आपको क्या पूरे मॉड्यूल का सॉल्यूशन चाहिए? पूरे मॉड्यूल का नहीं चाहिए, क्योंकि सर मैंने एक्सरसाइज 2 के वेक्टर सॉल्व किए हैं. हाँ, एक्सरसाइज 2 में ही है ना. चलो ये वाला क्वेश्चन सर, बस उतना ही आप देखोगे सर. आपको मतलब कितना चाहिए बता दीजिए. देखो मुझे ऐसा चाहिए कि मैं एक शीट दूंगा, वो शीट डिस्कस करेंगे ठीक है, क्योंकि उस शीट के क्वेश्चन मॉड्यूल के क्वेश्चन थोड़े से रिलेटिवली आज शीट दोगे उसको डिस्कस करेंगे, बाकी कुछ नहीं लाना है. हाँ, बाकी आपको जो डाउट्स वगैरह है वो तो अपन डिस्कस करेंगे और मैं वहीं पे क्वेश्चन दूंगा, मॉड्यूल लेके आना ठीक है. स्पीड और टाइम गायब है इसमें. स्पीड और टाइम गायब है तो देख लेते हैं इसमें. नंबर ज्यादातर स्पीड यू टाइम टी
सर हम लोग कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं ले सकते? नहीं सर, इसमें ऑप्शंस में भी वैल्यू नहीं है ना, ठीक है? करो सॉल्व, ऑप्शंस भी चाहिए। नहीं सर, ये जो टाइम और शायद कुछ इसमें टाइम निकालना है ना सर, ऑप्शन में पता ही नहीं है कि क्या निकालना है। हां तो ऑप्शन में तो दिए, रीजन सेकंड में ही रीच करेगा ना सर। दे तो दिए यार, तो क्वेश्चन पूरा कर दीजिए फिर हम करेंगे। भैया शुरुआत तो करो। सर मेरा ना बी आ रहा है। गलत आ रहा बेटा। सर बी तो नहीं, सॉरी सर, सी सी सी। आपने अभी सी ऑप्शन ही लिखा था ना पूरा, तो इसलिए पहले बोल दिया सी आ रहा। नहीं सर, सी आ रहा है, वो मुझसे गलती से निकल गया था। चल, आया क्वेश्चन, बढ़िया है, बहुत सारी चीजें चेक करना पड़ेगी इसमें सर, आधे पेज का सॉल्यूशन है। बताओ क्या सही होगा सर? सी। तो चेक करें बेटा फर्स्ट से, है ना? बढ़िया क्वेश्चन, काफी सारा कैलकुलेशन, सब पॉइंट अब आपको हो सकता है इसमें सब चीज चेक करना पड़े, एक एक चीज, ठीक है? सर ए सही है? मुझे क्या पता यार, मुझे क्या पता, आंसर थोड़ी रट के बैठा हूँ यार मैं, मिल के करते हैं। अरे एक मिनट, मैं अपना दोबारा चेक करके दोबारा बता। तो सी कैसे आया समझ में नहीं आया? सी कैसे आया? किसने बोला सी आया? तेरा आया कि नहीं आया? बी 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 आया। बी सर मैं सी करके देख रहा था, मेरा तो मैच नहीं हो रहा था। देखो पहला बी आया, यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम टी है, तो यहाँ सर बी होगा इसका, यहाँ पे यू है तो यहाँ पे भी क्या होगा माइनस यू, तो ये वाला ऑप्शन नहीं है, ठीक है? ठीक है, अब इधर देखो, अब ये टोटल हाइट एच है, तो ए टू बी के लिए पहले हम लिखते हैं, ए टू बी के लिए गिवन लिखो, तो देखो ए टू बी के लिए मैं डायरेक्टली इक्वेशन लिख देता हूं, बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, तो बी कितना है जीरो है, यू आपका यू है, प्लस टू ए कितना है माइनस जी है, इनटू हाइट कितनी है एच है, तो एक इक्वेशन बन गई आपकी यू स्क्वायर इक्वल टू टू जी, तो सब में ही कॉमन होगा। आ गई बात समझ में? ठीक है, मतलब ये हो गई। टाइम कितना लग रहा है अब देखो, यहाँ पे हम पहले वाला चेक करते हैं कि t by 2 पर कितनी हाइट ट्रेवल करेगा, ठीक है? t by 2 पर हाइट ट्रेवल करेगा तो कितना होगा, s equals to ut plus 1 by 2 at square, तो u कितना है 2gh, हाँ, u into t कितना है t by 2, है ना? s equals to 1 by 2 into g t square, ये आएगा, ठीक है? लेकिन यहाँ पर कुछ
एरर आ रहा है सर, आप पहले नहीं सर, सर बाकी पे भर जाओ ना ऑप्शन। देखो इसका मैं क्लिक तो करवा सकता हूँ आपको, इधर देखो जितना इधर फर्स्ट में होगा हाफ टाइम में, ठीक है। तो देखो यदि टोटल टाइम, एक मिनट, एक और इक्वेशन आपको बनानी पड़ेगी, ठीक है। वी इक्वल टू है आंसर, वी इक्वल टू यू प्लस एटी, एक और रिलेशन आपको निकालना पड़ेगा। ये वाला तो रिलेशन निकाल सकते हो, तो यहाँ पे देखो v कितना है, जीरो, u है जीरो माइनस जी टी, तो यहाँ पे आपका u इक्वल टू कितना आ गया, u बाय सर b ही होगा जी टी, ठीक है। अब ऐसे t की वैल्यू निकालेंगे ना, u की वैल्यू तो है ही, अब हम निकाल के रख लेते हैं, जहां जरूरत पड़ेगी वो हम कर लेंगे, अभी हमने सोचा नहीं है क्या करना है, ठीक है। तो देखो t by 2 टाइम में क्या होगा, तो t by 2 में कितना होगा, तो देखो इधर से इधर का जो t by 2 होगा, देखो t by 2 में h by 2, तो देखो बेटा यदि यहां से यहां तक t टाइम लग रहा है, तो t by 2 यहां से यहां तक का टाइम होगा t by 2, तो हम इसको उल्टा फॉल कर लें ताकि जल्दी आंसर आ जाएगा। यस सर, तो उल्टा फॉल करेंगे तो a is equal to कितना होगा, ut plus 1 by 2 at square, तो u तो कितना है 0 है, 1 by 2 gt square, ठीक है। और t कितना दिया हुआ है, t का भी हाँ, अब यदि हम टोटल टाइम ले लें तो टोटल टाइम के लिए इक्वेशन ये बन जाएगी, यस सर। और यदि हाफ टाइम ले तो क्या बनेगा, h prime सर, h जो है 8 टाइम्स हो जाएगा into g, t कितना होगा t by 2 का होल स्क्वायर, तो h प्राइम आपका आएगा कितना, h by 4, कितना आया h by 4, मतलब हाफ टाइम में ये कितनी हाइट पे होगा, 3h by 4 हाइट पे होगा, क्लियर है। मतलब फर्स्ट वाला क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, ठीक है। इसकी हाइट में वेलोसिटी हाफ होगी, ठीक है। तो देखो ये वाला सही होगा, ठीक है, सेकंड वाला सही होगा। सर अगर हमारा पहला ही सही है तो हमें बाकी ऑप्शंस को करना चाहिए या नहीं करना, मैं बताऊं मैंने कैसे किया। तो देखो सेकंड वाला क्यों सही होगा, देखो v इक्वल टू u प्लस at है, हाँ सर यही मैंने किया, हाँ तो u इक्वल टू gt आ गया, यस सर, सर g कांस्टेंट दोनों, अब हमें देखना है t by 2 टाइम में, है ना, तो t by 2 टाइम में t is equal to u by g, u माइनस जी टी, ठीक है। यहाँ पे u की वैल्यू जी टी हो गई, ठीक है। टाइम कितना हो गया, टी बाई टू, तो u जी टी है माइनस g, टाइम कितने बाद देखना है, टी बाई टू टाइम में देखना है, तो वेलोसिटी भी आपको कितने मिलेगी, जी टी बाई टू, तो ये वाला सबका सही है, ठीक है। थर्ड वाला, थर्ड वाला रॉन्ग क्यों होगा, मैं सुन लो, ठीक है, क्योंकि हाफ वेलोसिटी में हाफ नहीं होगी, ठीक है, हाफ टाइम स्टार्ट होगी इसलिए डिस्टेंस हाफ नहीं होगा, ठीक है, आ गया समझ में, यस सर, यस सर। वेलोसिटी पे वो 75% डिस्टेंस, हाँ बिल्कुल, हाँ 75 में ट्रेवल करेगा, ठीक है।